हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडीएसयू होपीसीकल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो अभी आपको फीस जमा करवानी है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे और उनको कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा और फीस कैसे जमा होगी, तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप PDSU होपीसीकल के YouTube चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार आप यहाँ पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पास में बेल आइकन है उसे दबा के ऑल कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है मेरिट का, तो ये वेबसाइट की लिंक है वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और मैं आपको यहाँ पर जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप खुद नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप खुद करोगे तो आपको SSO ID की ज़रूरत पड़ेगी फीस जमा करने के लिए, और जो आपके फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कॉलेज के अंदर फीस जमा करवाने के बाद में, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतरिम प्रवेश सूची में नाम आने वाले निम्न कार्यवाही करें, मतलब अगर आपका अंतरिम सूची या कोई सी भी लिस्ट में फिर आपका नाम आ चुका है तो आप उसमें फीस जमा करवानी है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वेरिफिकेशन होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं, जो कॉलेज के अंदर फॉर्म जमा करवाना होता है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य प्रस्तुत करने हैं, जैसे अगर आपने 12वीं पास कर ली और आपका जो TC है विद्यालय के अंदर वो आपको लाना पड़ेगा और एक 12वीं की जो मूल अंक तालिका वो आपको चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे अगर आपको आरक्षण मिलता है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए अगर आपके हमारे OBC में ST में जो भी आरक्षण मिलते हैं उनका लाभ लेने के लिए आपको एक मूल प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। मूल निवासी अगर कोई बाहर आस्थान से उत्तीर्ण कर रहा है तो उस निवासी के लिए भी लागू होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप कोई दिव्यांग है, किसी का पैर वगैरह टूटा हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार, इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ ये वाला, अभी आप इसको आराम से देख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कॉलेज के अंदर अगर आपका एडमिशन करवा रहे हैं जो आपका लिस्ट में नाम आ चुका है उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार इसको पूरा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप देख के फिर अपना डॉक्यूमेंट वो इकट्ठे करके आप कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे CC क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। CC होता है कि आपका मूल चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे आप 12वीं पास करते हो तो मार्कशीट के साथ में छोटा सा एक डिप्लोमा और होता है जिसको मूल चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। और यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट तो आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा, सिंपल चीज़ें जो आपके पास में मिल जाएगी। और आपको आय से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपकी आय कितनी है उसका प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, जो कोर्ट से बन जाएगा लगभग 40-50 रुपये में, तो वो आपको लेके आना है और यहाँ पर लगवाना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर देना पड़ेगा। तो अभी तो हमारी हो गई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फीस जमा करवानी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट फर्स्ट ईयर जो भी यहाँ पे शुल्क है वो यहाँ पे जमा होगा। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा और गेट फी पर डिटेल पर क्लिक करेंगे फीस वाली पे, तो आपका जो भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितनी फीस लगेगी, क्या क्या फीस, कितनी फीस है। तो वही दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।